हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलकराशन 10+12। यदि आपने अब तक बिल्कुल भी गणित ना पढ़ा है और इस वीडियो से ही गणित पढ़ना स्टार्ट कर दिया, गारंटी दे रहा हूं इंटर में पास कराए के छोड़ूंगा। बहुत यहां से आगे की मुश्किल से 10 वीडियो होंगी और वो देख लेना क्रम से। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप पास हो जाओगे, फेल नहीं होने दूंगा। देखते हैं इनमें से बेटा एक सवाल गारंटी छपेगा, बिल्कुल पक्की गारंटी है। अब देखेंगे कैसे करेंगे, कैसे क्या निकलवा रहे हैं ये देखो। इन सब सवालों में जो एक्सरसाइज 9.1 है इसमें क्या है, हमें घात और कोटि बतानी है। अब यहां देखेंगे बेटा, यहां देखो मैं ये बता रहा हूं तुम्हें, इतनी चीज इतनी जानकारी यदि आपको है तो आप घात और कोटि बड़ी आसानी से बता सकते हो। कैसे देखो, ये पहली बात तो ये देखो, बाई डैश का क्या मतलब है? इसका मतलब है डीवाई ओवर डीएक्स। डबल डैश है तो इसका मतलब है डी टू वाई ओवर डीएक्स स्क्वायर, और अगर ट्रिपल डैश है तो इसका मतलब है डी क्यू वाई ओवर डीएक्स का क्यू। ठीक है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। फिर अब देखो ये वाली इनकी कोटि कहलाती है, जैसे ये प्रथम कोटि है, ये द्वितीय कोटि का अवकलन है, ये तृतीय कोटि का, कुल मिलाकर डी ओवर डीएक्स यहां बेटा कोटि होती है। क्या होती है? कोटि, यानी कि यहां बाई मान लो, यहां ये क्या होती है बेटा? कोटि। और इस जिस पूरे सवाल में पूरी अवकल समीकरण देखोगे, जिसकी सबसे ज्यादा कोटि होगी उसी की हम घात लेंगे। यहां से यहां क्या लिखेंगे? घात। ठीक है ना, बस इतना सा पता होना चाहिए। आ रही बात तुम्हारी समझ में? अवकल कोटि कौन सी हो सकती है? प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का। ठीक है ना, और हमें कहां से छांटनी है बेटा? ये देख लो, यहां देखो बेटा, ये देख लो क्या डी ओवर डीएक्स, यहां कोटि लिखी होती है ये वाली, ये कोटि, ये है बेटा कोटि। क्या है? कोटि। और ये बाई, और इसकी घात बताएंगे। क्या बताएंगे? घात। समझ में आए? पूरा सवाल देखेंगे, जैसे ये वाला सवाल है, इसकी घात परिभाषित नहीं है लेकिन कोटि परिभाषित है। कोटि कितनी हो जाएगी? चार। कौन सी हो जाएगी? सबसे ज्यादा डिफरेंशियल कितनी? यहां चार है, घात परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है? घात परिभाषित नहीं है। देखेंगे बेटा क्या, भाई एक बात बता, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है साइन के कोण में ये अवकलन रखा है, तो बेटा ये इसके जो है, जिस सवाल में ऐसा हो साइन कॉस टेन कॉस वगैरह इनके कोण में अवकलन हो, उनकी घात परिभाषित नहीं है। कोटि सबसे ज्यादा जो होगी वो होगी, यहां कोटि तीन है और यहां पर कितनी है? चार। तो इस सवाल की कोटि आपकी कितनी हो गई? कोटि कितनी हो गई? चार। घात की बात कहेगा तो यहां लिखेंगे घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित क्या है? नहीं है। आ रही बात तुम्हारी समझ में? ये इसका क्या हो गया बेटा? आंसर। अब देखेंगे इस सवाल में ये क्या है, इसका क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dy ओवर dx प्लस के 5y बराबर शून्य। तो यहां कोटि कितनी हो गई? यहां एक एक ही तो है और इसकी घात भी कितनी है? एक। अरे कुछ नहीं है तो एक ही तो होगी घात, यहां पर बनी मानोगे तो यहां क्या हो गया? कोटि कितनी हो गई बेटा इसकी? कोटि कितनी? एक। और घात भी इसकी कितनी हो गई? एक। अब आ जाओ यहां पे बेटा, यहां कोटि एक है और यहां कोटि कितनी है? दो। तो सवाल में जो सबसे अधिक कोटि होगी घात भी उसी पद से निकालेंगे, यानी कि घात वह हम इससे ही निकालेंगे। घात कितनी है? वन। तो इसकी कोटि कितनी हो गई बेटा? कोटि कितनी हो गई बेटा? दो। और घात कितनी हो गई? घात कितनी हो गई? एक। ध्यान रखना उसी पद से आप घात और कोटि एक ही पद से चुनोगे, ध्यान रखेंगे। कोटि हम जानते हैं, सबसे ज्यादा जो कोटि होगी यहां पर, जो सबसे ज्यादा लिखा हो, जैसे यहां दो है और यहां कितना? एक। तो इस पद, ये पद से हमारी कोटि और घात ना निकलेगी, इससे निकलेगी। समझ में आ रही? अब आ जाओ बेटा ये वाला, फिर से त्रिकोणमिति के अनुपात के किस में आ गया ये?
कोण में आ गया डीवाई ओवर डीएक्स, तो समझ लो घात परिभाषित ना है, लेकिन कोटि कितनी है दो, एक है यहां पे एक है और यहां कितनी है दो, हमेशा कोटि कौन सी होती है ज्यादा वाली, तो यहां कोटि कितनी आ गई बेटा, कोटि इसकी हो गई बेटा दो, और घात घात बराबर ऐसे लिखेंगे, घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित क्या लिखोगे नहीं है, समझ गए, घात नहीं बता सकते। आ जाओ इसकी कोटि, अरे एक ही जगह डिफरेंशियल लिखा है तो इसी की घात हो जाएगी एक, तो यहां पे इस सवाल के लिए कोटि कितनी हो गई बेटा दो और घात कितनी हो गई बराबर एक, सही। इस सवाल में आओ, यहां दो कोटि की है, ये एक कोटि का है, यहां पर ना है लेकिन ये तीन कोटि है, तो ये इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते डी क्यू वाई ओवर डी एक्स का क्यू ऐसे इसकी पावर दो, तो बेटा कोटि तो ये हो गई ना, तो कोटि यहां पर कितनी आ गई, कोटि इस वाले सवाल के लिए कोटि तीन और घात कितनी हो गई, घात इसकी हो गई दो। घात ये ध्यान रखना, कोटि और घात एक ही पद से लेंगे, जिसकी कोटि सबसे ज्यादा होगी घात भी उसी पद से होगी, अब कोटि तीन सबसे ज्यादा है, यहां दो है यहां एक है यहां कुछ ना, तो यहां कोटि तीन है तो इसी की घात कितनी हो जाएगी दो। आ जाओ बेटा यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये डी क्यू वाई ओवर डी एक्स का क्यू है, ये डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ये डी वाई ओवर डी एक्स, तो हमें पता कोटि और घात इससे ही तो निकालोगे, तो बेटा कोटि कितनी हो गई इसकी बताना जरा मेरे भाई, कोटि हो गई तीन और घात हो गई इसकी एक, सही। अब इस सवाल में यही वाला पद तो है डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें तो और तो कुछ नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया इसकी, इसको आप डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकते हो, तो कोटि एक कोटि बराबर वन और घात भी क्या हो गई वन, क्योंकि इसी को आप डी वाई ओवर डी एक्स लगा। अब आ जाओ यहां पर, यहां यहां प्रथम कोटि है, यहां द्वितीय कोटि है, तो घात भी इसकी लिखेंगे, तो इसका मतलब है घात इसकी कितनी, अरे कुछ ना होगी तो वन होगी, तो यहां लिखेंगे कोटि, कोटि कितनी आ गई दो और घात कितनी आ गई बराबर एक। आ जाओ इस सवाल में, कौन से वाले में सवाल में, इसमें इसमें हम देख रहे हैं सही है सवाल बिल्कुल, ठीक है, कोण में बाई है हो सकता है, तो यहां कोटि दो है तो घात कितनी हो गई एक, तो बेटा कोटि आपकी कितनी हो गई इसके लिए दो और घात कितनी हो गई बराबर एक। आ रही बात समझ में, इस वाले सवाल में, इस सवाल में फिर साइन के कोण में डीवाई ओवर डी एक्स हो गया, कोटि बता सको घात परिभाषित नहीं है, तो कोटि कितनी है सबसे ज्यादा, अरे यहां एक कोटि है यहां एक कोटि है यहां दो कोटि है, तो यहां लिखेंगे कोटि बराबर कितनी आ गई आपकी, कोटि कितनी दो, और अगर घात पूछा गए तो यहां लिख देंगे घात परिभाषित, परिभाषित और क्या है बेटा परिभाषित नहीं है। आ रही बात तुम्हारी समझ में, आओ फिर लास्ट वाला सवाल, इसका बारहवां सवाल, बारह ही सवाल है और पांच मिनट में बारह कर सकते हो आप, देख रहे हैं यहां पे बेटा यही वाला तो पता है, इसकी कोटि दो है यहां पे एक है, तो हमें तो पता है सवाल में सबसे ज्यादा कोटि लेंगे, सबसे ज्यादा जिस पद में कोटि होगी वही उस सवाल की कोटि होगी और उसी की घात लेंगे, तो हमें पता है कोटि तो हो गई दो, कोटि कितनी हो गई बेटा, कोटि बराबर हो गई दो और घात, घात इसकी कितनी हो गई एक, तो घात कितनी हो गई एक। आ रही बात तुम्हारे समझ में, आप पांच से सात मिनट में पूरी जो है एक्सरसाइज को घुमा सकते हो, और पूरी एक्सरसाइज करने का मतलब मेरे भाइयों मैं गारंटी दे रहा हूं कि इससे एक सवाल आएगा। अच्छा एक आध सवाल और देख लो, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा वाला देखते हैं, कभी मान लो थोड़ा अलग आ जाता है तो कैसे करोगे देखते हैं बेटा, यहां पर और दिखा दूं, ठीक है, ये तुम्हारी समझ में आगे होगी, इतनी जानकारी है तो कोटि और घात आप आसानी से बता सकते हो। देखते हैं कभी कभार क्या हो जाता है, कभी कभार ये कर देते हैं वो ऐसे दे रखा, देखो किस तरीके से करते हैं बेटा, कभी कभार वो आपको देखो कभी कभार क्या करते हैं ऐसे कर देते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और बराबर पूरे पे अंडर रूट, सही है, इसको क्या करेंगे, इसको यहां कह देंगे डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस के चार एक्स, ऐसा मान लो ऐसा सवाल दे दिया। अब हम देख रहे हैं भाई इसको आगे बढ़ाया जा सकता है,
भाई शुद्ध करने के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है दोनों ओर का वर्ग करने पर। वर्ग करोगे तो उधर तो इधर आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और उधर वर्गमूल खत्म हो गया डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के चार एक्स। ये हमने थोड़ी अवकल समीकरण आगे बढ़ा ली, आगे बढ़ा ली, जब आगे बढ़ा ली अब इसकी घात और कोटि बताओ मेरे भाइयों। तो अब मैंने बताया कोटि यहां ये दो कोटि है यहां एक है तो हमारा आंसर इससे ही तो निकलेगा, इससे ही तो निकलेगा। जब इससे निकालोगे आप तो कितनी हो जाएगी कोटि आपकी कितनी हो जाएगी दो और घात भी कितनी हो जाएगी बेटा दो। समझ रहे हो ना कोटि भी दो और घात भी दो। अब कभी कभी और सवाल समझ लो जैसे हम देख रहे हैं इसको ही बेटा मैं और थोड़ा सा आगे कर दे रहे यहां पर सपोज करो सब यहां पर क्या कर लेंगे यहां पर ये रहा तीन होता तीन तो यहां लिखते हैं दोनों ओर का घन करने पर तो क्या करते डी टू वाई ओवर डी एक्स का क्यू डी एक्स स्क्वायर इसका होल क्यू ठीक है ना इधर भी होल क्यू ये ऐसे ही बेटा डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस के चार एक्स और यहां भी क्यू घन से घनमूल कैंसिल यहां डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इसकी पावर तीन और यहां क्या हो जाता है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के चार एक्स यह शुद्ध कर लो इसको डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इसकी पावर तीन माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस के चार एक्स बराबर शून्य। ये अवकल समीकरण आ गई आपकी। अब अवकल समीकरण हो गई तो हमें पता है सबसे ज्यादा कोटि कितनी है यहीं पे तो है कोटि तो बेटा कोटि कितनी आ गई आपकी जरा बताना मेरे भाई कोटि आ गई दो और इसी पद की घात कितनी है तीन तो घात बराबर आ गई तीन। ये आंसर है। कभी कभी इसमें और घुमाता है मैं सब बता दे रही है जो कि ज्यादातर क्या है अगर कहीं घुमाओ से आया बनना इतना ना अरे पूरी एक्सरसाइज जानते हो आप तो आप कोटि और घात बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। देखते हैं फिर भी यहीं घूम लो तुम भाई पेपर में जाके मत घूमना वहां जाके तो डायरेक्ट अटैक करना है समझ लो जितना भी घूमो यहां घूम लो यहां सब अपना ही है समझ लो सही है ना। देखते हैं यहां पर कभी कभार ऐसा कर देता है बेटा यहां पर चलो डी क्यू वाई ओवर डी एक्स का क्यू और इधर कह रहे हैं बेटा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस के थ्री डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस के थ्री एक्स और कह रहा है यहां एक बटे तीन सही एक बटे तीन या मान लो चलो एक बटे चार कर लो तो एक बटे चार का मतलब है पहले शुद्ध करोगे तो दोनों ओर की पावर चार लगाने पर तो चार से चार उधर कैंसिल हो जाएगा डी क्यू वाई ओवर डी एक्स का क्यू और इसकी पावर कितनी होगी चार उधर डी टू वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस के थ्री डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस के थ्री एक्स शुद्ध करोगे डी क्यू वाई ओवर डी एक्स का क्यू और इसकी पावर कितने आ गई चार माइनस डी टू वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस के थ्री एक्स बराबर शून्य। ये आपको अवकल समीकरण मिल गई। अवकल समीकरण में ये देखो सबसे ज्यादा कोटि वाला पद कौन सा है बेटा यहां तीन कोटि है यहां दो कोटि है यहां एक कोटि है यहां डिफरेंशियल की कोई कोटि नहीं है तो सबसे ज्यादा कोटि तो ही हमारी आंसर होती है। जब ये कोटि है तो घात भी इसी की होनी चाहिए तो कोटि कितनी आ गई मेरे भाई कोटि आ गई यहां पर तीन और घात कितनी आ गई बेटा चार। इस तरीके अरे इससे ज्यादा ना आएगा इतना आप अगर जानते हो तो कोटि और घात गारंटी है। आगे चलते हैं अगली एक्सरसाइज में मैं इसी में करा दूंगा ठीक है दोनों एक्सरसाइज आधे से पौन घंटे में खत्म फिर देखोगे आपको निश्चित सवाल मिलेगा। देखो बेटा ये क्या करते हैं एक्सरसाइज 9.2 में क्या कह देता है वो सवाल इस तरीके से पूछ देता है कि प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है या नहीं। तो क्या करते हैं हमें बिल्कुल सिंपल है इससे ये सिद्ध करना ठीक है ना तो कैसे करेंगे यहां पे कैसे यहां पे लिखेंगे इसको समीकरण फर्स्ट मान लो और यहां लिख देंगे क्या डिफरेंशियल विद
रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, यानी कि डिफरेंशियल लगा दो, ठीक है ना। क्या लगा देंगे? डिफरेंशियल। आ रही बात तुम्हारी समझ में? दिया गया फलन अवकलन कर दो, तो यहां पे हम देख रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स, इधर लगाओगे डी ओवर डी एक्स, किसका? ई की पावर एक्स प्लस के वन, दो पद है तो यहां तो इतना ही रहने दो, क्या डी वाई ओवर डी एक्स। इधर करेंगे बेटा अवकलन, हमें पता है क्या पदों में भाई दो पदों में बैठ जाएगा, तो यहां लिखोगे डी ओवर डी एक्स किसका? ई की पावर एक्स का प्लस डी ओवर डी एक्स किसका बेटा? वन का। यहां डी वाई ओवर डी एक्स ऐसा ही, आप सब जानते हो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, परंतु गिनती का अवकलन हो जाता है शून्य, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स ऐसे ही, ठीक है ना। ये समीकरण कह दो, दो लिखेंगे पुनः, यह लिख दो अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स और बोथ साइड्स लिखोगे, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? यहां हो जाएगा डी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा? डी ओवर डी एक्स किसका? ई की पावर एक्स का। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ऐसे ही बराबर, ये तो ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही रहा, लेकिन वो क्या मांग रहे हैं? वो ये मांग रहे हैं, तो यहां समीकरण कितने से? दो से। क्या कर दोगे बेटा? डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ऐसे ही, इसको हटा दो, इसकी जगह क्या लिख दोगे? डी वाई ओवर डी एक्स, या आप क्या लिख सकते हो इसको? बाई डबल डैश बराबर बाई डैश, यह ऐसे लिख सकते हो बाई डबल डैश माइनस के बाई डैश बराबर शून्य, और यही क्या आ गया आपका आंसर। इस तरीके से लिख सकते हो कि दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। आ रही बात तुम्हारी समझ में? ये समझ रहे हो? अब देखो बेटा अगला सवाल, ये फलन है, ये इसका अवकल समीकरण है, बोल रहा है क्या ये वाला इसका हल है या ना, तो हम क्या करेंगे? तब बेटा इसको ही ले लेंगे, क्या वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स और प्लस के सी, ये समीकरण के आ गई फर्स्ट, हम देख रहे हैं एक बार अवकलन करा है, तो यहां लिख दो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स और बोथ साइड्स। आप डिफरेंशियल के सब सूत्र जानते हो, लगा दो डी अपॉन डी एक्स किसका? वाई का। डी ओवर डी एक्स किसका बेटा? यहां एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स और प्लस के सी। डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे ही बेटा, इसको तीन पदों में बांट दो, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का प्लस के टू ऐसे ही, डी ओवर डी एक्स किसका बेटा? एक्स का, और डी ओवर डी एक्स किसका बेटा? सी का। कुल मिला के डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे ही, एक्स स्क्वायर का आप जानते हो टू एक्स, यहां हो गया वन दो गुणा वन, और प्लस कॉन्स्टेंट का क्या हो जाता है? शून्य। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा टू एक्स प्लस के टू, इधर को ले आओ क्योंकि इसकी जगह आप लिख सकते हो बाई डैश माइनस के टू एक्स माइनस के टू बराबर शून्य लिख देंगे, अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। इस तरीके से करते हैं। देखो बेटा ये सवाल देखो क्या कह रहे हैं, यदि बाई बराबर इतना तो हमें वो ये कह रहे हैं ये इसका अवकल समीकरण है, यदि इसका डिफरेंशियल करके ये आ जाए तो है वरना नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? इसको समीकरण ले लो बाई बराबर कॉस एक्स प्लस का सी, ये समीकरण क्या मान लो फर्स्ट, इसका अवकलन कर दो, यहां लिख दो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स और लिखोगे बोथ साइड्स, बोथ साइड्स इस तरीके से। डी ओवर डी एक्स किसका? बाई का। डी अपॉन डी एक्स किसका? कॉस एक्स प्लस के सी का। कितने पद हैं? दो। डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे ही, डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा? कॉस एक्स का प्लस डी ओवर डी एक्स किसका बेटा? सी का। यहां डी वाई ओवर डी एक्स तो ऐसे ही बराबर कॉस का होता है माइनस के साइन एक्स, प्लस कॉन्स्टेंट का होता है शून्य, इधर को ले आओ, इसको लिख सकते हो बाई डैश प्लस के साइन एक्स और बराबर क्या आ गया? शून्य, और यही क्या आ गया आपका आंसर, यानी कि ये इसका अवकल समीकरण है। देख रहे हैं चौथा सवाल, यहां देखो चौथा सवाल क्या है, बाई बराबर अंडर रूट वन प्लस के एक्स स्क्वायर, और इसका आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये हमने मान ली समीकरण एक, ठीक है ना। कैसे करोगे बेटा? इधर देखो हमें पता है इसका डिफरेंशियल जानते हैं, पहले कहेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स और क्या लिखोगे? बोथ साइड्स, ठीक है लिख देंगे।
देखो कैसे लगाओ बेटा, डी ओवर डी एक्स वाई का ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट वन प्लस के एक्स स्क्वायर का। देखो डी वाई ओवर डी एक्स आपको अवकलन के सूत्र है, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल डायरेक्ट जानते हैं, वन अपॉन टू अंडर रूट उतना ही, ठीक है ना, इंटू डी ओपन डी एक्स जितना छिपाया, छिपाया क्या है वन प्लस के एक्स स्क्वायर, उसका और कर दो। डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे ही रखो बेटा, वन अपॉन टू अंडर रूट वन प्लस के एक्स स्क्वायर ऐसे ही, गुणा यहां पे और अलग अलग करो, इसको अलग अलग करोगे तो हमें पता है डी ओवर डी एक्स किसका बेटा वन का और डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का, यही तो करोगे। डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे ही, यहां वन अपॉन टू अंडर रूट वन प्लस के एक्स स्क्वायर, जब इसका करो इसका सोन और इसका क्या हो जाएगा टू एक्स बेटा, टू से टू कैंसिल, कुल मिलाकर क्या आया डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आया एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस के एक्स स्क्वायर। लेकिन हम देखना है इतना तो ना है, उसमें तो ऐसा कुछ ना है, तो हर का परमेकरण कर दो एक तरफ, डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे ही, इधर क्या लिखोगे इधर एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस के एक्स स्क्वायर, गुणा ऊपर गुणा नीचे अंडर रूट वन प्लस के एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी अंडर रूट वन प्लस के एक्स स्क्वायर। बनाना होता है बेटा सवाल, कभी कभी बनाना, तो यहां डी वाई ओवर डी एक्स तो ऐसे ही रहा, ये क्या आ गया ऊपर आ गया एक्स अंडर रूट वन प्लस के एक्स स्क्वायर, नीचे पावर आधी या आधी ये एक हो गई वन प्लस के एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या वाई डैश, और ये क्या है हमारा वाई, तो समीकरण एक्स है, अरे ये वाई का मानना है, इतने की जगह बाई लिख सकते हो, तो यहां लिख दो बाई और नीचे वन प्लस के एक्स स्क्वायर, ये सिद्ध कर दिया, ये सिद्ध कर दिया, इसका मतलब ये भी समीकरण का हल है। देखते हैं बेटा आप ये वाला सवाल करो, कौन सा इसका सॉल्यूशन इधर देख लो, यहां कोई दिक्कत ना है, ये तो सब तुम जानते ही हो कर लोगे। यहां देखते हैं, यहां सॉल्यूशन करेंगे बाई बराबर ए और एक्स, ये समीकरण क्या आ गई फर्स्ट, डिफरेंशियल लगा या लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू और एक्स, और क्या लिखोगे बोथ साइड्स, ठीक है, या हिंदी में लिख दो एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर किसी को दिक्कत है हिंदी में लिख दो d ओवर डी एक्स या वाई का ए ऐसे ही d ओवर डी एक्स किसका बेटा एक्स का d वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या रह गया a। अब हम देख रहे हैं वो आंसर ये नहीं चाह रहा था तो हम क्या लिख देंगे भाई a कहां है इसमें ना रहेगा ये तो चला वाई डैश है क्या ये वाई डैश बराबर a तो यहां लिख देंगे समीकरण एक से ए का मान रखो बाई डैश ऐसा ही ए का मान क्या हो जाएगा अरे यहां ये इधर को पहुंच जाएगा तो बाई अपॉन एक्स एक्स इधर हो जाएगा एक्स बाई डैश बराबर क्या आ गया बाई और यही सिद्ध करना था यानी कि इससे ये डिफरेंशियल करके ये आ गया तो इसके ये हल है वरना नहीं है। आगे आ जाओ बेटा ये वाला सवाल कौन सा बाई बराबर एक्स और साइन एक्स और फिर हमारा ये पूछ रहा है ना तो हम क्या करेंगे डिफरेंशियल करेंगे यहां दोनों ओर का डिफरेंट या हिंदी में लिख दूं चलो है ना क्या इसको समीकरण फर्स्ट मान लो क्या लिखेंगे दोनों ओर का एक्स के सापेक्ष क्या लिखोगे सापेक्ष अवकलन करने पर करो बेटा क्या लिखोगे डी ओवर डी एक्स इधर तो बाई डी ओवर डी एक्स किसका एक्स साइन एक्स का गुणा के नियम से करोगे यहां तो क्या हो जाएगा चलो इसको बाई डैश लिख दे रहे है ना ये तो बाई डैश इधर करोगे एक्स ऐसे ही डी ओवर डी एक्स किसका बेटा साइन एक्स का प्लस साइन एक्स ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स किसका एक्स का बाई डैश ऐसे ही एक्स ऐसे ही साइन का होता बेटा कॉस एक्स और प्लस यहां पे साइन एक्स और गुणा में क्या बन तो बाई डैश बराबर एक्स कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स आया यही तो आया लेकिन ऐसा तो कुछ सिद्ध ना करा रहा है तो अब हम देख रहे हैं बेटा ये कैसे करेंगे भाई यहां पे ऐसे लग रहा है क्या करा जाए तो हमें पूछ रहा है
अब वो इसको त्रिकोणमिति अनुपात को चाह ही ना रहा आंसर में। जब त्रिकोणमिति अनुपात को ना चाह रहा तो हम क्या है, हम एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान जानते हैं, किसका, साइन एक्स का मान, इसको गुणा का बटे में ले जाऊंगे तो आपको पता पड़ जाएगा बाई अपोन एक्स है, यानी कि सवाल साइन में होना चाहिए, तो आगे पीछे लिख लो, ठीक है ना। मैं इसको लिख सकता हूं बाई डैश, इसको पहले लिख दूं साइन एक्स को, ठीक है, प्लस इसको लिख रहा है एक्स को, इसकी जगह मुझे पता है क्या लिख सकता हूं, अंडरोड वन माइनस के क्या साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह, साइन एक्स की जगह लिख सकते हैं अंडरूट वन माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स की जगह बेटा अंडरूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब कोई बात ना, बाई डैश ऐसे ही इसकी वैल्यू रखो, साइन की वैल्यू समीकरण एक से क्या हो जाएगी, बाई अपोन एक्स प्लस एक्स ऐसे ही बेटा अंडरूट, यहां क्या हो जाएगा वन माइनस, यहां बाई स्क्वायर अपोन एक्स स्क्वायर ना हो जाएगा, चलो ये इधर देखेंगे बेटा, यहां बाई डैश ऐसे ही बेटा और यहां बाई अपॉन एक्स ऐसे ही प्लस अंदर लो यहां एक्स लिखा हुआ है गुणा में एक्स अंडरूट, यहां पर क्या ले लू मैं एक्स स्क्वायर एलसीएम ले ले, क्या ले ले एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा यहां क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, और करेंगे बाई डैश बराबर बाई अपॉन एक्स प्लस एक्स ऐसे ही बेटा अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर का एक्स निकल आएगा, ये इसका हर भी एक्स है इसका भी हर है, दोनों का एलसीएम समान है, तो एलसीएम क्या लूंगा बेटा एक्स, ऊपर ऐसे का ऐसे उतार दो बाई प्लस के एक्स अंडररूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, बटे की चीज गुणा में आ जाएगी, इंप्लाइड कर लो एक्स बाई डैश बराबर बाई प्लस के एक्स अंडररूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और बेटा यही सिद्ध करना था, आ रही बात तुम्हारी समझ में, अरे हमें यही तो सिद्ध करना है, और ये सिद्ध करना है तो हमें पता है ये वाला इसका हल है, आ रही बात समझ में भाई, इसका समाकलन करके ये आ जाए या इसका डिफरेंशियल करके ये आ जाए, तो अगर इसका समाकलन करोगे ये आ जाएगा या इसका डिफरेंशियल ये करोगे तो इसका हल ये है और इसका डिफरेंशियल ये है, इसका अवकल समीकरण ये है, इसका जो है हल ये है, आ रही बात समझ में, क्योंकि अवकल समीकरण को हल किया जाता है और जो फंक्शन होता है जो फलन होता है उसका डिफरेंशियल करके अवकल समीकरण प्राप्त की जा सकती है, तो हम तो क्या है अवकल समीकरण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसलिए डिफरेंशियल करके प्राप्त करते हैं। आगे देखोगे बेटा, देखो सातवां सवाल देखेंगे, क्या करना है हमें इससे, ये हमें यह सिद्ध करना है इस वाली अवकल समीकरण का ये हल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ले लो अवकल समीकरण, ये समीकरण ले लो log y प्लस के c, सही है, यहां क्या लिखूंगा दोनों ओर का, दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, करने पर, सही है ना, अवकलन करोगे d ओवर dx क्या हो गया एक्स वाई, डी ओवर dx कितना हो गया log y और प्लस के सी, यहां बेटा गुणा के नियम से करोगे x ऐसे ही d ओवर dx किसका y का प्लस y ऐसे ही d ओवर dx किसका x का, इस इसका क्या हो जाएगा भाई छपाई के तो होगा क्योंकि ये x के सापेक्ष तो है ही ना फंक्शन, तो हम करेंगे क्या log y का हो जाता वन अपॉन बाई इंटू डी ओवर डी एक्स किसका बाई का, इसका जब इसका करोगे तो इसका हो जाएगा शून्य, कुल मिला के एक्स इसको लिख सकते हो आप बाई डैश प्लस के बाई इसका क्या हो गया वन, और इसको लिख सकते हो वन अपॉन बाई और इसको लिख सकते हो बाई डैश, आ रही बात समझ में, चलो इधर भेज दो ये गुणांक चीज, तो ये हो गया एक्स बाई और बाई डैश और प्लस ये क्या हो गया बाई स्क्वायर बराबर क्या बचा बाई डैश, या हम देख रहे हैं हमें तो बाई स्क्वायर एक तरफ है और डैश एक तरफ, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो बाई डैश बराबर एक्स वाई बाई डैश और प्लस के बाई स्क्वायर, बाई डैश वाले एक तरफ तो बाई डैश माइनस के एक्स वाई और बाई डैश,
और बराबर क्या हो गया वाई स्क्वायर, इससे क्या ले लूं बेटा वाई डैश कॉमन ले लें, यहां क्या बचा वन माइनस के एक्स वाई और बराबर क्या हो गया वाई स्क्वायर, या वाई डैश बराबर क्या हो गया वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस के एक्स और वाई लिख देंगे। अतः दिया गया फलन अवकल संगत अवकल समीकरण का हल है। चाहे तो लिख दो, ना है चाहो तो, वो तो खुद कह रहे हैं कि भाई ये बताओ कि ये इसका हल है या नहीं है, समझ रहे हो? आ रही बात तुम्हारी समझ में? चलो देखेंगे बेटा। और देखो बेटा क्या करें, हमें वो कह रहा है ये वाला इसका हल है या ना, तो इसका डिफरेंशियल करके हमें ये बनाना होता है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वाई माइनस के कॉस वाई बराबर एक्स, ये समीकरण क्या मान लो फर्स्ट आप लिखोगे एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, ये तो लिखोगे करने पर, लिखेंगे डी ओवर डी एक्स किसका वाई माइनस के कॉस वाई का, यही तो है डी ओवर डी एक्स किसका बेटा एक्स का, इधर आ गया वन, इधर लगाओ डी ओवर डी एक्स किसका बेटा वाई का माइनस के डी ओवर डी एक्स किसका कॉस वाई का, ये तो वाई डैश हो गया, लिख सकते हो इसको क्या लिख सकते हो, कॉस का होता है माइनस के साइन, तो माइनस माइनस प्लस और साइन वाई इंटू डी ओवर डी एक्स किसका बेटा वाई का वन, यानी कि वाई डैश प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश बराबर वन, यहां वाई डैश के आगे कॉमन ले लो, यहां से वन प्लस के साइन वाई यही तो है और बराबर क्या आ गया वन, यहां आ गया, हम देख रहे हैं यार ऐसा तो आया ना, यहां वाई डैश आ गया कुछ आ गया, लेकिन हम देख रहे हैं आंसर तो हमें ये सिद्ध करना है इससे तभी तो आएगा, तो हम देख रहे हैं इसमें और इसमें अंतर क्या है, यार इसमें वाई है और इसमें वाई ना है, तो लिख दो दोनों ओर वाई से गुणा करने पर कर देंगे बेटा, गुणा करोगे तो इधर क्या आ जाएगा वाई वन प्लस के साइन वाई और वाई डैश बराबर वाई कन वाई आगे, अब हम करेंगे इसकी हिस्से गुणा, इसकी हिस्से करोगे वाई और यहां हो गया वाई साइन वाई और बाहर वाई डैश बराबर वाई, अब हम देख रहे हैं कि यार फिर भी ना आया, तो हम इससे क्या निकाल सके वाई का मान एक्स प्लस के कॉस वाई, क्योंकि हमारे आंसर में क्या है ये वाला पद हम चाह रहे हैं लेकिन ये ना है, तो यहां लिख दो समीकरण एक से वाई का मान रखने पर रखोगे बेटा, यहां वाई की जगह आप क्या लिख सकते हो एक्स प्लस ये इधर को भेजोगे तो कॉस वाई प्लस के वाई और साइन वाई और वाई डैश बराबर वाई, बस सजा दो का मतलब है पद आगे पीछे लिख लो, पहले ये लिख लो वाई साइन वाई प्लस फिर कौन सा मांग रहा है वो कॉस वाई वाला यानी कि ये वाला फिर प्लस का एक्स और वाई डैश बराबर वाई, यही सिद्ध करना था, लिख देंगे अतः दिया गया फलन क्या है अवकल समीकरण संगत अवकल समीकरण का हल है। ठीक है बेटा, 4 से 5 मिनट और रुको बस। देखो बेटा क्या है, वो कह रहे हैं इसका हल ये है या ना, तो हम तो इसका अवकलन करके देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे एक्स प्लस के वाई बराबर टेन इनवर्स वाई, यही तो करोगे, फिर क्या करेंगे हम क्या करो अवकलन कर दो इसका, क्या है एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर लगाओगे बेटा डी ओवर डी एक्स किसका एक्स प्लस वाई का,
डी ओवर डी एक्स किसका, टेन इनवर्स वाई का। इसका करोगे डी ओवर डी एक्स किसका, वन एक्स का, प्लस डी ओवर डी एक्स किसका, वाई का। इधर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स का क्या क्या हो जाता है, टेन इनवर्स का हो जाता है वन अपॉन वन प्लस के वाई स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स किसका, वाई का। ठीक है, इसका हो गया वन। इसका क्या, इसको क्या लिख सकते हो, वाई डैश। यहां वन अपॉन वन प्लस के वाई स्क्वायर ऐसे ही, इसको क्या लिख सकते हो, वाई डैश। आ रही बात तुम्हारी समझ में, बस कुछ ना करना है, क्या करेंगे, बटे की चीज इधर भेज दो, क्या वन प्लस वाई डैश, और इधर क्या हो गया, वाई डैश अपॉन वन प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है ना, चाहो तो क्या कर लो बेटा, यहां गुणा कर दो वन प्लस के वाई डैश और वन प्लस के वाई स्क्वायर, और बराबर क्या हो गया, वाई और डैश, गुणा करो एक एक न एट, प्लस इसके इससे करोगे वाई स्क्वायर, प्लस इसके इससे करोगे वाई डैश, इसके इससे करोगे तो वाई डैश वाई का स्क्वायर और बराबर वाई डैश। एक तरफ शून्य मांग रहे हैं, क्रम से लिख लो, पहले लिख लू वाई स्क्वायर, फिर क्या है प्लस का ये वाला वाई स्क्वायर वाई डैश, प्लस का वाई डैश, और प्लस का क्या हो गया वन, इधर लाओगे माइनस के वाई डैश बराबर शून्य, इससे ये वाला पद कैंसिल, तो वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस के वन बराबर शून्य। अतः हम इसको कह सकते हैं ये वाला इसका हल है, आगे पीछे लिखना कुछ ना, ठीक है ना, आ रही बात तुम्हारी समझ में। इसका देखो फिर, बोल कह रहे हैं ये वाला इसका हल है या ना, तो इसको बनाओ दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो इधर वाई स्क्वायर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या लगा, अब लगा दो डिफरेंशियल, यहां लिख दो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, लगाओ डी ओवर डी एक्स, अधूरा लिख देते हैं कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इधर क्या लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का, इधर का आ जाएगा टू वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, इसका ए का करोगे शून्य माइनस का इसका करोगे टू एक्स, इधर ले आओ टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और वो आ गया प्लस के टू एक्स बराबर शून्य, टू कॉमन ले लो, ये वाई ऐसा ही रही और डी वाई ओवर डी एक्स, और यहां से क्या बचा एक्स बराबर शून्य, दो उधर गए, इसको आगे पीछे लिख लो, इसको एक्स पहले लिख लो और वाई डी वाई ओवर डी एक्स बाद में, और बराबर क्या आ गया शून्य, यही आपका क्या हो गया। अतः ये वाला ये इस समीकरण का हल है, ठीक है, बस बेटा एक मिनट और रुकेंगे बस। मेरे भाइयों सवालों पर देखो क्या है, सवाल पहले ये देख लो तब तुम्हें अच्छी तरीके से पता पड़ जाए, नारीवाद, क्योंकि पहले सवाल पड़ा हुआ होना चाहिए फिर बड़ा आसानी है। वो कह रहा है चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। बेटा जब हम अवकल समीकरण को हल करते हैं तो पता है जितनी कोटि होती है उतने ही हमें कांस्टेंट लेने पड़ते हैं। स्वेच्छ, स्वेच्छ का मतलब अपनी तरफ से, जैसे सी वन सी टू सी थ्री सी फोर, इस तरीके से अपनी स्वेच्छ का मतलब है अपनी इच्छा से, ये कोई बाउंडेशन ना होती है कि सी लो कुछ भी कांस्टेंट आई वन आई टू इस तरीके से। तो एक बात ध्यान रखेंगे, बस एक सेकंड का खेल है, आपका आंसर और सही हो जा, सही और गलत दोनों हो जा। चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल कहता है, क्या कहता है, व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। तो बेटा जब व्यापक हल कहे तो व्यापक हल में उतने ही अचर लिए जाते हैं जितनी कोटि होती है। अब मेरे भाई बताइए इसमें कोटि कितनी है, कोटि है चार, तो स्वेच्छ अचर लेने पड़ेंगे चार। इस तरीके से आंसर कितना हो गया, चार। फिर सुन लो, एक मिनट का खेल है, क्या अगर व्यापक हल में पूछे, व्यापक हल में, तो व्यापक हल में उतने स्वेच्छ अचर लिए जाते हैं जितनी कोटि होती है, इसकी कोटि कितनी है चार, तो स्वेच्छ अचर भी कितने लेने पड़ेंगे, चार। इस तरीके से इस सवाल का आंसर हो गया चार। इसका आ जाओ तीन कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में
श्वेत अक्षरों की संख्या। देखो विशिष्ट हल यानी कि निश्चित समाकलन की बात कर रहे हैं। क्या है निश्चित? विशिष्ट का मतलब है भाई स्पेशल, बिल्कुल निश्चित। तो निश्चित जब विशिष्ट हल की बात कहे तो एक भी कोटि कितनी सही, कोटि तीन की जगह 50 रख दो तो भी हमें कोई भी स्वेच अचर अपनी तरफ से नहीं लेना होता है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर आ जाएगा, सुन भाई, विशिष्ट हल में स्वेच अचरों की संख्या कितनी होती है? शून्य। इस तरीके से इसका आंसर सुन नारी भाई, एक मिनट में आपका आंसर सही और गलत हो सकता है, ध्यान रखना। व्यापक हल में कहे तो व्यापक हल में उतने ही स्वेच्छ अचर लिए जाते हैं जितनी उसकी कोटि होती है। चार कोटि के चार स्वेच्छ अचर, तीन कोटि की तीन स्वेच्छ अचर, पांच कोटि की पांच स्वेच्छ अचर, सही है ना? ध्यान रखना व्यापक हल और विशिष्ट हल में कोटि कितनी, स्वेच्छ अचर हमेशा शून्य। ठीक, चलो बेटा आई होगी तुम्हारी समझ में, ध्यान रखना। इस एक्सरसाइज में मैंने दो एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है बेटा, आगे आने वाले टाइम में दो ही वीडियो और दूंगा इसकी अवकल समीकरण की, गारंटी दे रहा हूं बेटा 15 से 16 नंबर आएंगे उन दूसरी एक वीडियो वहां से, और एक आगे तीन एक्सरसाइज तुम्हारे कोर्स में है, अगर ज्यादा कहेंगे तो तीन देंगे, लेकिन तीन में से लास्ट वाली में निश्चित फंसना है, सब में से एक एक के चांस रहते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं, धन्यवाद आप लोगों का इतनी देर आप लोग वीडियो पे बने रहे। एक बात के लिए और आपको हमेशा अपनी तरफ से हम अपील करेंगे, जितनी भी वीडियो को शेयर कर सको भाई उतने करो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।